आप देखना अच्छा वर्ड नहीं नहीं डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इसके बाद ज़्यादा हिंदी फिल्म्स करूँगी और लेकिन मेरा हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इफ़ आई कैन आई वॉन्ट स्ट्राइक अ बैलेंस सो आई एम गोना कंटिन्यू ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बट हिंदी फिल्म्स डेफिनेटली मोर प्लीज यार बैलेंस मत करो प्लीज हिंदी फिल्में करो अच्छा चलो आपके लिए यस थैंक यू हाय रणदीप मेरा सवाल आपसे सर आपने फिल्म में कई आपने मार्शल आर्ट्स जो हैं उसके सीन्स फाइट सीन्स आपने किए हैं इसके बारे में कुछ बताइए हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कॉन्टैक्ट रखेंगे उसमें तो वो फिल्म की फाइट की एक्टिंग करने की बजाय हमने ग्लव्स थोड़े सॉफ्ट पहने और असली में कॉन्टैक्ट फाइटिंग की उससे बहुत मेरे बहुत पड़ी काफ़ी जाबड़े जबड़े पे मेरे लगी पेट में मुंह पे कान पे रॉकी के आई मीन सॉरी धीरज के भी कान पे लगी और रियल फाइटर्स थे वहाँ पे तो उनके साथ वो उनको बोलो ना कि यार अच्छा आराम आराम से करेंगे और जैसे ही क्राउड चिल्लाने लगता है उन लोग फॉर्म में आ जाते हैं और धर देते हैं आपको दो तीन वो एक्टिंग नहीं आती उनको बोले आई एम नॉट एन एक्टर यार मतलब एक्टर तो ठीक है बट यार अगला सीन भी तो करना है बट सो बहुत ही डिफिकल्ट था वो इरफान खान करके एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर है जो सुपर फाइट लीग में फाइटिंग करता है हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ फाइटर्स में से है उसने मेरी हेल्प की थी तो वो बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग जुजित्सु रेसलिंग वगैरह इंच बाय इंच एक जिम है वर्सोवा में वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो वो ट्रेनर लोग मजाक करते थे कि सर यहीं पे बेड लगा लो ना यहीं पे आप मोस्टली टाइम तो इधर ही रहते हो सो वेरी वेरी टफ एंड द फाइट्स वर आर क्वाइट रियल बिकॉज वी ट्राई एंड केप द रियल मूव्स ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स And there's, of course, there's a lot of emotional content to the fight as well, which makes it more special. Sir, is that true that most of the MMA fight scenes are choreographed by you? Well, because I was so much into it, me and Irfan Khan, and there was another choreographer. What's his name? Sameer. So one fight which we shot in Bombay was choreographed by Sameer, but in the ones we did in Malaysia was between me and Irfan and the other fighters. They also used to come up with great suggestions. We didn't want to make it look like, you know, ki fight ki acting chal rahi hai. It's an emotional story. So every punch, every kick has an emotional connotation. It's a sense of getting to your goal, which is... to you know make your beautiful co-star fall in love with you more mera sawal hai deepak tijori sir zakir sisodia from makrana magazine deepak ji kisi film ko remake banate waqt sabse mushkil kaam kya hota hai aapki nazar mein sir kahan ho bhai idhar aapke right mein ha okay sorry ha kya bol rahe ho sir mera remake film ko banate waqt sabse mushkil kaam kya tha aapke liye आई थिंक जब भी रीमेक बनाते हैं तो एक ज़्यादा बोझ रहता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो हूबहू कॉपी नहीं लगनी चाहिए बिकॉज इवेंचुअली वो हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं हम उसको अडेप्ट करते हैं और ऑब्वियसली वो जो फिल्में हम लोग जहाँ से इंस्पायर होते हैं वो डुप्लीकेट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उसके इमोशंस और हमारे इंडियन इमोशंस में फ़र्क रहता ही है नो मैटर वॉट So I think obviously we had to do a lot of work with regards to changing a lot of things in this movie. तो जब आप original देखें और अगर आप ये देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चेंज करनी पड़ती है We really can't just adapt the way it is. So there was a lot of hard work with Girish ji. I think a lot of credit goes to Girish ji because इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने डाली which were creating such lovely emotions between the couple. And the dialogues are really, really good. So I think it is... It is kind of cut away from the original film, absolutely. But it is a lovely adaptation. I'm sure you all will like it. Hi, Deepak. Straight. Hi. You know, Bollywood got exposed to mixed martial arts with Brothers that released last year. Yeah. And even this film is based, like, has a mixed martial arts in its backdrop. So how easy or difficult was it for you to direct the mixed fight sequences? Because we have seen a certain kind of fight in that film. Yeah, I think, you know, we were all worried. Actually, me and Randeep were, in fact, when the trailers were coming out, we were a little paranoid.
So we did go and see Brothers, and I was after seeing Brothers, I was really relaxed and very easy, and not at all worried, because we both were kind of chilling about it. That it's entirely a different ball game the way they've gone about it and the way we've gone about it. So I guess let's see it in the film and then talk about it. And another question to Mr. Jayantilal Gada. So what kind of release are you planning for this film in India? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सुनील वाधवा, उन्होंने मिनिमम 800 स्क्रीन प्लान करी है, व्हिच इज अ लॉट फॉर अ मूवी ऑफ दिस नेचर. या थैंक यू सर. और अच्छी बात यह है कि दो वैसे कंपटीशन थी, दो फिल्में ऑटोमेटिकली, शायद हमारी किस्मत अच्छी है कि डिले हो गए. कहीं वो डर तो नहीं गए? नहीं नहीं, धवल वो धवल से डर थे एक्चुअली. धवल से डर गए, हमारी किस्मत अच्छी थी. धवल धवल से बहुत डरते हैं. और सो ब्रदर्स में क्या हुआ था? ब्रदर्स में ना वो फाइटिंग के बारे में पिक्चर बन गई थी. हमारी पिक्चर फाइटिंग के बारे में नहीं है. हमारी पिक्चर एक लव स्टोरी है. जैसे कि हर एक छोटे शहर में लगा लो, या हर एक शहर में एक यंग एज पे कोई भी लड़का सोचता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, या मुझे कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग आती हो ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बचा सकूँ, कोई छेड़ दे तो मैं मुँह तोड़ दूँ. एक ऐसी एक फैंटेसी होती है सब में, जब शुरू शुरू में सब लोग जिम विम जाना शुरू करते हैं. ऐसी लड़कियों में होती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जो आदमी है वो इतना स्ट्रांग हो कि मुझे कहीं भी प्रोटेक्ट कर सके और मेरे लिए जान निछावर कर दे. तो मेरे ख्याल से वो दोनों सेक्सेस की यंग की जो फैंटेसी होती है वो इस फिल्म में ठोक ठोक के बन. आई थिंक वी आर सेफ फ्रॉम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर. नहीं, जाट वाला मामला, कोई टेंशन नहीं. हाय काजल. ठोक चलता है. हाय हाय हियर. सॉरी आई कैन. Hey, yeah, hi. So we all know about the kissing scene and the story behind it. We all know about it, but I just want to know it from you. Mm-hmm. That what it like, what exactly it took to go for it? Like, since it was not there in the script earlier. You mean apart from having to kiss me? But still, I'm sure there must be something for you to elaborate on it. No, it was a part of the film, and it was a very essential part of the film. Of course, earlier I had reservations and hesitations about it. But of course, after I understood the relevance of it in the script and I understood how important it is to the story, I agreed to it. I mean, this was a very professional thing, and it's not like the two of us got carried away or any such jazz. That's not even possible. And we professionally did our job, and that's about it. I mean, what more can I say about it? It's a very sensitive thing in the story. I mean, it's meant for a very sensitive emotional reason. This girl cannot see. So, of course, the only way that she can express her love to her man is by wanting some sort of physical contact. The only way she knows him is by touch. So you will obviously understand the importance of the kiss once you understand the sensitivity of the story. But she did panic after she saw Jism too. yes, very much. Oh my God. Hi Randeep. Alok here, aapke left. Hi Alok, hi. Mera sawal hai ki pehle to Sarabjit ke liye badhai, bahut sari sarahana. Bahut bahut shukriya dost. Jab aap wazan kam karte hain Sarabjit ke kirdar ke liye, fir yahan pe wazan bahut zyada hota hai, to ye natural process nahi hota, iske liye kafi मतलब बहुत सारी चीज़ों को करना होता है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरी सिस्टर जो कि इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं, और जो पोस्ट बायोलेट्रिक केयर और हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की सो करती है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की. मैं चाहूँगा कि कोई इसको घर पे ट्राई नहीं करे. एक साल में 30 किलो मसल मास घटाना बढ़ाना, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है. मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं हूँ अभी भी, तो मैं चाहूँगा कि कोई घर पर ट्राई ना करे. पर जब मैं दो लफ्जों की कहानी कर रहा था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को वो इतनी सॉलिड बॉडी बनाई अन्ना के साथ. मैंने इतना मतलब यू नो जाट आदमी, मतलब आई यूज़ टू वॉक लाइक कि मैं दरवाजे में से निकल जाऊंगा, खोलने की जरूरत नहीं है. एंड टू लूज दैट फॉर सरबजीत, इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. इट वॉज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन दैट आई टुक. Every day when I was losing that muscle, I used to look at myself in the mirror and say, ki shit yaar. So it was very hard. But I think, jaise ki bahut sare actors body bana ke, six pack bana ke, bahut logon ke zehen mein aa jate hain. Mereko thodi apni haddiyan nikalni padi zehen mein aane ke liye. To har ek ka apna kuch hota hai. To, but I'm glad that I did it. And hopefully with Anna's help, I'll build it again. Ajay, Randeep, Kajal,